हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर इंटू सिक्स स्क्वायर, और साथ में यहाँ दे रखा है आपको x, और यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर, और यहाँ है x की पावर ज़ीरो, ले सकते हो आप। क्लियर है ना? तो जाहिर सी बात है, सबसे पहला आपको इसका यू एन निकालना है, आपको चेक करना है आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं। ओके चलो भाई, तो अगर मैं यू एन की बात करता हूँ, यहाँ देखो बेटा, तीसरे स्टेप के अंदर मेरे पास है एक का स्क्वायर, उसके बाद तीन का स्क्वायर है, फिर पाँच का स्क्वायर है, फिर सात का स्क्वायर है, एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहा है ना। अगर मैं ये देखो, आप ये सीरीज़ देखो आप बेटा, एक फिर तीन फिर पाँच फिर सात फिर नौ, इस तरह से चलता जा रहा है ना, क्या ये ए पी है। और अगर ए पी का इनवर्स स्टेप निकालता हूँ, फार्मूला क्या होता है मेरे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू होती है मेरे पास, ए की वैल्यू तो दे रखी है मेरे को वन, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास, पाँच माइनस के तीन या तीन माइनस के एक बराबर दो है। मैंने वैल्यू निकाली, ए एन निकाला, ए एन इज इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन इंटू टू, कितना निकल गया बेटा, ये निकला टू एन माइनस के टू प्लस के वन, यानी मेरे पास निकल गया टू एन माइनस के वन, टू एन माइनस के वन। क्लियर है ना? अब मैं यू एन सेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो यू एन इज इक्वल टू, सबसे पहले x की पावर ज़ीरो है, फिर x की पावर वन है, x की पावर पर बाद में चलूँगा, पहले इसी स्टेप पर चलता हूँ। ये मेरे पास निकल कर क्या आएगा, वन का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर पाँच का स्क्वायर सात का स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक आएगा, टू एन माइनस के वन का स्क्वायर। x की पावर ये देखते हैं, ज़ीरो वन टू थ्री से देखते हैं, x की पावर चली हुई है ज़ीरो फिर वन फिर टू एंड सो ऑन। ओके, अब इसका a बराबर कितना है, ज़ीरो है, ये भी एक ए पी है, आप समझ रहे हो, और d बराबर कॉमन डिफरेंस है वन। अगर इसका इनवर्स स्टेप निकालता हूँ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा, यानी यहाँ से वैल्यू निकल करके आएगी ज़ीरो प्लस के एन माइनस के वन इंटू वन होगा, बराबर कितनी निकल करके आएगी, एन माइनस के वन आपके सामने है। तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, एन माइनस के वन। अगर मैं नीचे की बात करता हूँ, दो चार छः, तो जाहिर सी बात है टू एन ही होगा यार, नीचे तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है, दो की पावर दो चार की पावर दो छः की पावर दो आठ की पावर दो, एन वे स्टेप के अंदर दो एन की पावर दो। क्लियर है ना, यू एन आपका क्लियर। आगे की तरफ चल लेते हैं, अब मैं कैलकुलेट करूँगा यू एन प्लस के वन, एन की जगह एन प्लस वन मैंने रिप्लेस करा तो कितना निकल करके आएगा बेटा, ध्यान से सुन लेना, एन की जगह एन प्लस वन जैसी रिप्लेस करूँगा, और देखो आप, एक की पावर दो तीन की पावर दो पाँच की पावर दो सात की पावर दो, यहाँ से देखना बेटा, यू एन का मतलब है एन वाई स्टेप, यू एन प्लस वन का मतलब है उससे अगले वाला स्टेप, फिर सुनो, यू एन का मतलब है एनवा पद, यू एन प्लस वन का मतलब है उससे अगले वा पद। तो जाहिर सी बात है एनवा पद यहाँ तक तो कवर होगा ही होगा, टू एन माइनस के वन का स्क्वायर इंटू, अगले वाला कौन सा पद होगा बेटा, देखो आप, टू एन प्लस वन नहीं होगा क्या जब आप एन की जगह एन प्लस वन रखोगे, एन की जगह एन प्लस वन रखो, टू एन प्लस के वन आ जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ एक्स की पावर कितनी होगी, एक्स की पावर एन माइनस के वन प्लस के वन, बटे नीचे क्या होगा बेटा, नीचे होगा दो का स्क्वायर होगा चार का स्क्वायर होगा छः का स्क्वायर होगा और दो एन का स्क्वायर होगा, दो एन का स्क्वायर होगा, ये तो एन तक निकल गया, अगले वाला कितना होगा बेटा, क्या टू एन प्लस के टू का स्क्वायर नहीं होगा क्या, जब एन बराबर वन रख दूंगा मैं का स्क्वायर, देखो ना आप, इसके अंदर एन बराबर एन पुट करो, टू एन में एन बराबर एन प्लस वन पुट करा मैंने, कितना निकल गया, टू एन प्लस टू का स्क्वायर नहीं निकल रहा क्या, ये चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं, डीएलएमबर्ट रेशो टेस्ट अप्लाई करूंगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूंगा। नाउ आई एम अप्लाई डीएलएमबर्ट रेशो टेस्ट, तो मेरे पास निकल करके आ बेटा, यू एन बटे यू एन प्लस वन की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। नाउ यू एन बटे यू एन प्लस वन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस के वन इज इक्वल टू, देखो कितना आ रहा है, यू एन की वैल्यू है एक तीन पाँच एंड सो ऑन, टू एन माइनस के वन का स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस वन बटे दो चार
छः एंड सो ऑन टू एन का स्क्वायर बटे एक तीन पाँच सात एंड सो ऑन, ये कितना है टू एन माइनस वन का स्क्वायर, और उससे अगले वाला कितना है बेटा टू एन प्लस वन का स्क्वायर, और एक्स की पावर कितनी है एक्स की पावर एन बटे नीचे कितना है दो का स्क्वायर चार का स्क्वायर छः का स्क्वायर एंड सो ऑन दो एन का स्क्वायर, और ये निकला दो एन प्लस के दो का स्क्वायर, यही है ना। आगे की तरफ चल लेते हैं। अगर ये आ चुका तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया बेटा, मेरे ख्याल से जो आ रहा है जो इसमें से ये सबसे ऊपर देखो आप सारा कटेगा इसके अंदर से यू एन बटे यू एन प्लस के वन, जितना कटना था वो कटेगा। कटने के बाद ये देखो आप डायरेक्ट कट कर रहा हूँ, चलो एक स्टेप और बढ़ा लो भाई, ये निकल कर के आएगा भाई एक की पावर दो तीन की पावर दो पाँच की पावर दो एंड सो ऑन दो एन माइनस वन की पावर दो एक्स की पावर एन माइनस वन इन टू सबसे नीचे वाला स्टेप दो की पावर दो चार की पावर दो दो एन की पावर दो और दो एन प्लस दो की पावर दो, तो ये निकल गया बटे नीचे देखता हूँ कितना आ रहा है, ये और ये नीचे रहेगा दो की पावर दो चार की पावर दो छः की पावर दो एंड सो ऑन दो एन की पावर दो, और ये होगा एक की पावर दो तीन की पावर दो एंड सो ऑन दो एन माइनस वन की पावर दो, और ये होगा दो एन प्लस दो की पावर दो, और एक्स की पावर कितना होगा एन। क्लियर है ना बेटा, कट कर लो भाई जितना कट होता है। मेरे ख्याल से ये वाले स्टेप सारे कट हो जाएंगे, ये वाले स्टेप कट हो जाएंगे, ये टू एन भी कट हो जाएगा और टू एन माइनस वन भी कट हो जाएगा, सारा कट हो जाएगा, एक्स की पावर एन भी कट हो जाएगा, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन कितना बचेगा देखो आप यू एन बटे यू एन प्लस के वन, ऊपर जो बचेगा वो बचेगा टू एन प्लस टू का स्क्वायर, ये भी कट हो जाएगा सारा आपके सामने है, ऊपर बचा टू एन प्लस के टू का कंप्लीट स्क्वायर, नीचे क्या बचा बेटा गलती कर दिया क्या, ओके टू एन माइनस वन का स्क्वायर जरा सी मिस्टेक हो रही है, रुको एक बार, नीचे टू एन प्लस वन बचना चाहिए, एन की जगह जैसे ही मैं एन प्लस वन रखूँगा बेटा टू एन प्लस टू का स्क्वायर टू एन माइनस वन का स्क्वायर, एक मिनट बेटा ये निकल करके आया यू एन प्लस के वन, ये निकला टू एन और टू एन प्लस वन का स्क्वायर और टू एन माइनस वन, अच्छा ये वाला स्टेप जो है टू एन माइनस वन होगा टू एन प्लस के वन होगा, देखो आप ये प्लस के वन है, मैंने ये प्लस के टू कर दिया है यहाँ पे, ये प्लस का वन है, मैं भी कह रहा हूँ कि गलती कहाँ हो रही है, देखो आप ये वाला तो ऊपर पहुँच गया, ये टू एन प्लस के वन, ये देखो आप वन थ्री फाइव वाला स्टेप्स टू एन माइनस वन का स्क्वायर है टू एन प्लस वन का स्क्वायर, मैं यही कह रहा था कि मिस्टेक हो चुकी जरा सी, कितना निकला बेटा टू एन प्लस वन का स्क्वायर और एक्स की पावर कितनी बची एक बटा एक्स ही बचाना, ओके बराबर, ऊपर से टू एन कॉमन ले लो, ऊपर से जैसे ही मैंने टू एन कॉमन लिया तो जाहिर सी बात है टू एन का स्क्वायर कॉमन आया, कितना बचा मेरे पास ये बचा वन प्लस वन अपॉन एन, दो भी कॉमन ले लिया ना वन प्लस के वन अपॉन एन का स्क्वायर, नीचे भी टू एन कॉमन ले लिया मैंने स्क्वायर कॉमन आया, कितना बचा बेटा ये बचा वन प्लस के वन अपॉन टू एन का स्क्वायर, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है ना लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, चलो भाई एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ज़ीरो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ज़ीरो और इंटू कितना है वन अपॉन एक्स टू एन कैंसिल, कितना बचा आपके पास सिर्फ वन अपॉन एक्स बचेगा, देखो कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपके पास जो निकल करके आया लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस के वन की वैल्यू निकल करके आई वन अपॉन एक्स, और डी एल एम्बर्ट रेशो, डी एल एम्बर्ट क्या बोलता है भाई डी एल एम्बर्ट बोलता है अगर यू एन बटे यू एन प्लस के वन अगर ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट है, और अगर इधर लिख रहा हूँ मैं यू एन बटे यू एन प्लस के वन लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट है, और अगर यू एन बटे यू एन प्लस के वन इज इक्वल टू वन है तो क्या है फेल, यही बता रखा है ना।
चलो भाई टेस्ट लगाते हैं और कंसेप्ट का यूज़ करके आगे चले जाते हैं। तो यहाँ से मेरे पास कंसेप्ट से निकल करके आया बेटा, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू निकली वन अपॉन एक्स। अगर वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन वन है, इसका क्रॉस गुणा किया, यहाँ से निकला वन ग्रेटर देन एक्स के ऊपर, तो आया ये कन्वर्जेंट। और अगर वन अपॉन एक्स लेस देन वन है, इसका मतलब निकला वन लेस देन एक्स के ऊपर, आया ये डाइवर्जेंट। और अगर वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन है, तो इसका मतलब निकला एक्स बराबर वन पर क्या होएगा, फेल। जब फेल हो चुका तो मैं फर्दर टेस्ट करूँगा, फर्दर टेस्ट कर रहा हूँ इसको मैं। अब देखो बेटा, यू एन बटे यू एन प्लस वन की वैल्यू उठा लो। सबसे पहले यू एन अपॉन यू एन प्लस वन के अंदर एक्स इज इक्वल टू वन पुट करूँगा और फर्दर टेस्टिंग लगा दूंगा मैं इसके अंदर। ये है मेरा स्टेप। नाउ पुटिंग एक्स इज इक्वल टू वन इन टू यू एन बटे यू एन प्लस के वन, यू एन बटे यू एन प्लस के वन के अंदर एक्स बराबर कितना पुट करा, वन पुट करा, तो कितना निकल कर क्या, यू एन बटे यू एन प्लस के वन इज इक्वल टू, यहाँ से निकल गया एक्स की वैल्यू पुट करते ही वन, ये तो ख़त्म हो चुका, ये तो वन है, गुणा हो जाएगा सीधा। ये निकल कर क्या, टू एन प्लस के टू का स्क्वायर बटे टू एन प्लस के वन का स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे की तरफ चलते हैं, अगर यहाँ तक कोई आपत्ति आपको नहीं है तो। ओके, देखता हूँ अगले वाला स्टेप कितना निकलता है, क्या होता है। अब मैं इसके ऊपर जो है टेस्ट अप्लाई करने वाला हूँ बेटा, रेबीज टेस्ट। ओके, रेबीज टेस्ट अप्लाई करूँगा भाई, रेबीज टेस्ट। रेबीज टेस्ट जो होता है बेटा, वो ये होता है कि लिमिट होनी चाहिए एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, और यहाँ होना चाहिए एन इंटू यू एन बटे यू एन प्लस के वन माइनस के वन। अगर ये सारा ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट होता है, और अगर यही एन इंटू यू एन बटे यू एन प्लस के वन माइनस वन लेस देन वन होता है तो डाइवर्जेंट होता है, और अगर यही चीज एन इंटू यू एन बटे यू एन प्लस के वन माइनस वन इज इक्वल टू वन है तो टेस्ट क्या होता है, फेल होता है, आपको पता है। अब इसी का यूज़ करूँगा मैं। नाउ जब मैं रेबीज टेस्ट इसके ऊपर अप्लाई करूँगा, तो यहाँ से निकल करके आएगा बेटा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू यू एन बटे यू एन प्लस वन की वैल्यू डालो, एन इंटू यू एन बटे यू एन प्लस वन की वैल्यू है टू एन प्लस के टू बटे का स्क्वायर बटे टू एन प्लस के वन का स्क्वायर माइनस के वन, यही है ना। हल करता हूँ भाई, देखता हूँ कितना आता है। जैसे मैं इसको हल करूँगा, हल करने के बाद ये निकल करके आएगा एन इंटू ऊपर वाले का स्क्वायर करा मैंने फोर एन स्क्वायर, इसका स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस के फोर प्लस के दो गुणा ए बी, चार दुनी आठ एन प्लस के आठ एन माइनस के, ये हो गया मेरे पास पहले वाली क्वांटिटी का स्क्वायर बोले तो चार एन स्क्वायर, उससे अगले वाली क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस के वन प्लस दो गुणा माइनस के, कितना एन निकला चार एन बटे, खोल करके रख दिया मैंने सारे को, टू एन प्लस वन का स्क्वायर। ओके, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, आठ एन। चलो भाई देखता हूँ, एन तो बचा यहाँ ऊपर, कितना है आठ एन के अंदर से चार एन गया, चार एन बच गया, चलो ठीक है फोर एन बचा, चार के अंदर से एक गया माइनस के तीन बच गया, बटे ये हुआ टू एन प्लस वन का स्क्वायर, ऊपर से मैंने कॉमन ले लिया n इंटू एन कॉमन ले लिया, कितना बचा बेटा चार माइनस के तीन बटे n बचा, नीचे से मैंने जो है n कॉमन ले लिया तो n स्क्वायर कॉमन आया, ये बचा दो प्लस के वन अपॉन n का स्क्वायर। ओके, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, इससे मेरा ये कैंसिल, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये ज़ीरो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये ज़ीरो, ऊपर कितना निकला चार, नीचे निकल गया चार, चार बटे चार बराबर वन, यानी टेस्ट फेल, फिर प्रॉब्लम खड़ी होएगी, टेस्ट फेल होएगा ना।
अगले वाला टेस्ट लगाते हैं। नाउ आई एम अप्लाइंग द डी मॉर्गन टेस्ट। नाउ आई एम अप्लाई डी मॉर्गन बर्टनर टेस्ट। ओके नाउ नाउ डी मॉर्गन टेस्ट। डी मॉर्गन टेस्ट लगाता हूँ भाई। जब टेस्ट फेल होएगा तो क्या करें यार। डी मॉर्गन टेस्ट होता है बेटा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू यू एन बटे यू एन प्लस के वन माइनस के वन और फिर इसमें से सारे में से माइनस के वन और फिर यहाँ होता है ओके माइनस वन होने के बाद यहाँ होता है इतने का लॉग एन। ओके यहाँ के बाद जो है ये एन यहाँ यहाँ है सिर्फ यहाँ होता है कितना लॉग एन। ध्यान से देख लेना एन की गुणा सिर्फ इतने के साथ हो रही है फिर उसमें से माइनस वन हो रहा है इनटू लॉग एन। अगर ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट है वही सेम कंसेप्ट है यार। अगर ये क्वांटिटी लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट है और अगर ये सारी क्वांटिटी की वैल्यू वन के बराबर है तो टेस्ट फेल है। आप जानते हो ये सारी चीज़ें। ओके इधर सेम है लेस देन वन और इक्वल टू वन। चलो भाई अब ये उठा लो भाई आप इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है। तो अगर मैं इतने को हल करता हूँ बेटा इतने के हल का मतलब मेरे पास निकलता है यहाँ से देखो अब आप इतने को तो मैं पहले ही सॉल्व कर चुका था इसका रिजल्ट आया था मेरे पास ये था बेटा एन इंटू यहाँ तक देख रहा हूँ इतने वाला रिजल्ट कितना था मेरे पास ये निकला हुआ था ये निकल गया था ना ये निकला हुआ था यानी मेरे पास निकला हुआ था लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू यू एन बटे यू एन प्लस के वन माइनस वन ये जो वैल्यू थी ये थी मेरे पास कितनी एन इंटू फोर एन माइनस के थ्री प्लस के थ्री था बेटा वो एक अलग बात है यहाँ काम बन रहा है प्लस के थ्री बटे यहाँ था कितना ये था टू एन प्लस के वन का स्क्वायर यही था ना। अब इसमें माइनस वन और कर लो। चलो भाई जब मैं इसमें माइनस वन और करूँगा यहाँ देखो आप इसमें माइनस वन और कर रहा हूँ जैसे ही मैं इसके अंदर जो है यहाँ से माइनस वन और करूँगा मैं कर रहा हूँ एन इंटू यू एन बटे यू एन प्लस के वन माइनस वन में मैंने माइनस वन और किया बराबर इधर निकल करके आएगा बेटा एन इंटू चार एन प्लस के थ्री बटे दो एन इसको दो एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस के वन। ओके देखो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा उसी तरीके से एलसीएम लेकर के अब की बार में डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये आएगा माइनस के वन बटे दो एन प्लस के वन का स्क्वायर ये आ जाएगा। ओके अब इसके ऊपर कंसेप्ट लगा रहा हूँ मैं देखो अब आप जैसे ही मैं इसके ऊपर ये टेस्ट लगाऊंगा बेटा ये वैल्यू तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ भाई अब मैं इसके ऊपर टेस्ट लगाने जा रहा हूँ। यहाँ देखो आप ये पेज बचा हुआ है यहाँ काम हो जाएगा मेरा। पहले तो ये वैल्यू देख लो कितनी निकली हुई है मेरी ये टोटल वैल्यू मेरे पास कितनी है ये है यहाँ एन इंटू यू एन बटे ओके यू एन बटे यू एन प्लस के वन माइनस के वन माइनस वन के साथ मेरे को चाहिए लॉग एन यानी इसके साथ लॉग एन और चाहिए बराबर लिमिट तो चली थी आपको तो पता ही है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मैंने इसके साथ जो है लॉग एन और लगा दिया माइनस ये हुआ एन प्लस के वन बटे टू एन प्लस वन का स्क्वायर इंटू लॉग एन यही हुआ ना। ओके कोई दिक्कत तो नहीं है अब इसको सॉल्व करना है देखो आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसको मैंने लिखा बेटा ऊपर से एन कॉमन ले लिया एन कॉमन लेने के बाद ये हुआ वन प्लस के वन अपॉन एन नीचे मेरे पास कितना बना मैंने यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन ले लिया टू प्लस के वन अपॉन एन का स्क्वायर और ये हुआ मेरा लॉग एन। इसको देखो मैं कैसे लिखूँगा भाई एक एन से तो एन कैंसिल हो चुका ऊपर निकला मेरा माइनस वन प्लस के वन अपॉन एन तो ये निकला और यहाँ निकला बेटा टू प्लस के वन अपॉन एन मेरा ये हो चुका और इसका स्क्वायर है और इसको लिखा मैंने लॉग एन बटे एन। लॉग एन बटे एन की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है लॉग एन अपॉन एन की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है सारा कितना हो चुका है लॉग एन अपॉन एन की वैल्यू कितनी होती है ज़ीरो ये सारा कितना हो चुका ज़ीरो ज़ीरो का मतलब कितना है लेस देन वन का मतलब कितना है डाइवर्जेंट
समझो आप, बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, क्लियर है ना। लेस देन वन का मतलब क्या निकल गया, डाइवर्जेंट, अर्थात जो आपका पहले वाला जहाँ आपका सीन फंसा हुआ था, आपका फाइनल कितना आंसर निकल करके आएगा, x इजिकल टू वन पर कन्वर्जेंट है तो आपका आंसर निकल करके आएगा, अगर x लेस देन वन है तो कन्वर्जेंट है, और अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है तो क्या है, डाइवर्जेंट है। क्लियर है ना, मेरे ख्याल से तो समझ में आ चुकी होगी बात, कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल है यार, कई बार जे आर एफ के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन। ओके बाय।